शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बाणासुर, न केवल तुमने गोपियों के साथ अधर्म किया अपितु तुम्हारे कारण संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई थी। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के पश्चात तुम वही वास कर सकते हो जहाँ मेरा प्रकाश ना पहुँचता हो। मेरे प्रकाश में आकर यदि तुमने कोई अधर्म करने का प्रयास किया तो तुम उसी क्षण जलकर भस्म हो जाओगे। और इस प्रकार सूर्य देव के कारण संसार पर आया संकट टल गया। मेरे और महादेव के मध्य का हो रहा युद्ध रुक गया। पर प्रभु, बाणासुर के रक्षक तो स्वयं महादेव थे। जल, थल, आकाश, पाताल, कहीं भी उस पे कोई संकट आता तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा करते। तो फिर सूर्य देव के श्राप के सम्मुख बाणासुर झुक कैसे गया? उसने पाताल में रहना क्यों स्वीकार किया? तुम सत्य कह रही हो तुलसी। बाणासुर के रक्षक स्वयं महादेव थे, इसलिए बाणासुर से सूर्य देव के दिए हुए श्राप को भी चुनौती दी। सूर्यदेव, हाँ मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैंने गोपियों का हरण किया है, इसलिए आपके द्वारा दिए हुए श्राप को भोगने हेतु मैं तत्पर हूं। किंतु कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि मेरी रक्षा करने का वचन साक्षात महादेव ने मुझे दिया है। यदि आज आपका ये श्राप सत्य हुआ तो साक्षात महादेव द्वारा दिया हुआ वचन असत्य सिद्ध होगा। और उसके अपराधी होंगे आप, उसका कलंक आप पर लगेगा सूर्यदेव। बाणासुर, इसीलिए इस श्राप के साथ मैं तुम्हें एक मनोवांछित वरदान भी प्रदान करता हूं। मांगो बाणासुर, क्या वरदान चाहिए? उचित है सूर्यदेव, केवल आपके कारण मैं पाताल लोक में रहने ही तो विवश हो गया हूं। तो अब आप ही मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जब कभी भी जिस भी देवता के विग्रह को अपने भक्ति से साध लूं, वो देवता मेरे वश में आ जाए। मेरे अनुसार ही प्रत्येक कार्य करे और मेरी हर इच्छा का पालन करे। मुझे आपसे यही वरदान चाहिए सूर्यदेव। एवं अस्य, ऐसा ही होगा बाणासुर। सूर्यदेव, आपने तो मुझे महादेव से भी बड़ा वरदान दे दिया। अब मैं जिस भी देवता को चाहूं अपने अधीन कर सकता हूं। और इसका प्रथम प्रयोग मैं आप ही पर करूंगा सूर्यदेव। मैं आपके विग्रह को साध कर आपको प्रसन्न करूंगा, आपको अपने वश में करूंगा। और उसके पश्चात जब मैं चाहूंगा तब दिन होगा और जब मैं चाहूंगा तब रात। बाणासुर, इससे पहले कि तुम कोई और अधर्म करो, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें अभी और इसी क्षण पाताल लोक में भेज दूंगा, जहां ना देवों का कोई विग्रह होगा ना तुम कोई अधर्म कर पाओगे। सूर्य देव, आप मुझे पाताल लोक में नहीं भेज सकते सूर्यदेव। महादेव, महादेव रक्षा कीजिए मेरी। बाणासुर, अभी तुम्हारा जीवन संकट में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए विवश नहीं हूं।
उन देवताओं ने फिर से चल दिया ये हार। छानिए स्मरण रखना, समय आने पर इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं तुमसे, तुम सभी देवताओं से प्रतिशोध लूंगा मैं। स्मरण रखना। सूर्यदेव, आज आपने अपनी युक्ति और शक्ति से भक्त, भक्ति और भगवान सबकी रक्षा की है। अब बाणासुर ना संसार में आ पाएगा और ना ही अधर्म करेगा। तुलसी, और इस प्रकार सूर्यदेव ने बाणासुर को पाताल लोक भेज दिया, क्योंकि पाताल ही वो स्थान है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। प्रभु, सूर्यदेव का दिया वरदान अब भी बाणासुर के साथ है। वो तो पाताल लोक में रहकर किसी भी देवता की पूजा कर, उनकी भक्ति कर, उन्हें अपने अधीन कर सकता था। फिर उसने इतने युगों तक केवल प्रतीक्षा क्यों की? क्योंकि पाताल असुरों का स्थान है, वहाँ ना तो किसी देवता का वास है और ना ही विग्रह। इसलिए सूर्यदेव का वरदान होते हुए भी बाणासुर आज तक कोई भी अधर्म नहीं कर पाया, पर वो इन सब का दोषी मुझे मानता है, मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है, और उस दिन से ही वो मुझसे और मेरे भक्तों से प्रतिशोध लेने के अवसर ढूंढ रहा था। तो इसीलिए पूतना आपकी प्रतिमा को लेकर पाताल लोक गए, ताकि बाणासुर सूर्यदेव का वरदान का प्रयोग करके अपनी इच्छा पूरी कर सके। हाँ तुलसी, और इसलिए इस समय बाणासुर मेरी भक्ति में लीन है, मेरे विग्रह के द्वारा मुझे पाताल लोक पुकार रहा है। बस करो बाणासुर, असुरों को उनकी भक्ति का ना कभी फल मिला है और ना ही आज मिलेगा। भक्ति से बुलाने पर कभी नहीं आएगा वो छलिया कृष्ण। पूतना, मेरी प्यारी बहन, उस कंस के कहने पे गई थी ना तुम कृष्ण का अंत करने, अपनी समस्त शक्तियां, अपना बल, अपना विष लेकर। क्या प्राप्त हुआ तुम्हें? अकाल मृत्यु। मैं एक बार असफल हुई हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बार बार होऊंगी। इस बार मैं उस छली कृष्ण की प्रतिमा लाई हूँ। जैसे मैं लड्डू गोपाल की प्रतिमा लाई हूँ, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी यहाँ आना होगा। जब भक्ति से कार्य हो रहा है तो क्यों व्यर्थ में अपनी शक्ति का प्रयोग करना? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह युगों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं उस कृष्ण रूपी लड्डू गोपाल को अपने अनुसार दंड दूंगी। पूतना, क्षमा कीजिए लड्डू गोपाल, मेरी भोली सी बहन को तनिक क्रोधी है स्वभाव से, किंतु आप प्रभु, आप तो देवताओं में और असुरों में कोई भेद नहीं करते, सभी भक्तों की पुकार सुनते हैं आप, तो मेरी पुकार सुनने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं प्रभु? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी भक्ति तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप स्वयं मुझे दर्शन नहीं दे देते। प्रभु, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं।
तुलसी, अब समय आ गया है मुझे बाणासुर की भक्ति का फल देने पाताल लोक जाना होगा। प्रभु, आप जानते हैं ये भक्ति नहीं अधर्म है। बाणासुर अपने स्वार्थ के लिए आपकी भक्ति कर रहा है, और यदि आप पाताल लोक चले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।